अभी तुरंत में जैक के 12 क्लास का गणित का एग्जाम खत्म हुआ है, और आइए अभी में हम लोग उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया था, काफ़ी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया होगा कि किसका आंसर क्या होता है। तो आइए, हमने क्वेश्चन बोर्ड पर निकाल कर रखा है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर, आर किस प्रकार का संबंध है, और हमें एक सेट भी दिया हुआ है कि ए पर है। तो अगर आप ध्यान दें, मैंने तो पहले ही आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा इसे मैंने टिक कर लिया है, ऐसे समझने के लिए। ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक कैसे, देखिए ये ए बी है और दूसरे साइड में आपको दिख रहा है कि उसका उल्टा बी ए भी दिया हुआ है, बी सी है तो इसका उल्टा सी बी भी दिया हुआ है, यानी कि ये कैसा रिलेशन है, ये है सिमेट्रिक। और पहले वाले का आंसर होता है ऑप्शन नंबर टू। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल फाइव एक्स प्लस फोर है, हमें एफ इनवर्स का मान निकालना है। तो जब हमें एफ इनवर्स का मान निकालना है, अगर थोड़ा सा समझें इनवर्स निकालते कैसे हम लोग, तो इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल जो हमें दिया हुआ है फाइव एक्स प्लस फोर, हम लोग एफ एक्स इक्वल वाई ले लेते हैं और यहाँ से एक्स निकालते हैं। तो ये फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल वाई, अगर यहाँ से x को अकेला कर लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस फोर बाई फाइव। तो यहाँ से x इक्वल f इनवर्स y, यानी कि ये y के पदों में इनवर्स है, एफ इनवर्स y इक्वल y माइनस फोर बाई फाइव। तो आप भी समझ सकते हैं इस पर, अगर इसे ही x के टर्म में लिखा जाए तो ये बन जाएगा x माइनस फोर बाई फाइव। तो ये रहा x माइनस फोर बाई फाइव, यानी सेकेंड वाले का आंसर होता है फर्स्ट ऑप्शन नंबर। थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फॉर एनी ऑपरेशन स्टार का मार्क है, ए स्टार बी बराबर हमें लिख कर दिया हुआ है ए प्लस बी बाई थ्री है, और हमें वन स्टार दो का मान निकालने को कहता है। तो अगर हम लोग, आप देख लीजिए, ए के जगह में एक रखें, बी के जगह में अगर दो रखें, तो एक जोड़ दो तीन बाई तीन, कट के कितना हो जाएगा एक, यानी कि तीसरे वाले का ऑप्शन होता है सेकेंड। फोर्थ नंबर पर हम लोग आते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू साइन पे कहाँ होता है, तो आपको पता है ये होता है पाई बाई थ्री पे। तो ऑप्शन फोर का ऑप्शन नंबर थ्री। आप साथ साथ में अपने क्वेश्चन पे मिलाते चलेंगे कि हाँ आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसे हम लोग सॉल्व करने जाएं, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं एक्स इक्वल टेन थीटा। तो कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस टेन स्क्वायर, और आप जानते हैं ये फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, यानी कि ये रह गया टू थीटा, और यहाँ से हम लोग थीटा इक्वल कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के लिए अगर रख दिया जाए टेन इनवर्स एक्स, तो इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए टू टेन इनवर्स एक्स, यानी कि फिफ्थ का आंसर होता है ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट ए दिया हुआ है, इसका थ्री इंटू ए निकालना है, यानी कि आप सारे एलिमेंट को तीन से गुना करेंगे, तीन तीन दुना छः, तीन तिया नौ, और छः गुना तीन अठारह, ऑप्शन नंबर थ्री। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए और बी का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए, तो ये तो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर टू सेवन का। एट, एट वाले में आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू बताना है। अगर हम लोग सॉल्व करने जाए, हम लोग सबसे आसान पोर्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं टू एक्स इक्वल एट, तो x का वैल्यू मिल गया 4, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल 3, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, x इक्वल 4, y इक्वल 3। 9, इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू बताना है कितना होने वाला है, तो इस डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू हम लोग बना सकते हैं, हम लोग ये अप्लाई कर ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं आर टू पे आर टू प्लस आर थ्री कर ले रहे हैं, इसी को देखिएगा ना, वन वन वन, थोड़ा स्पेस रख लें, एक्स प्लस वाई पहले से था, आर थ्री अगर ऐड कर ले तो जेड, सेम यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ है जेड एक्स एंड वाई। आपको दिख रहा होगा आर टू से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, वन वन जेड, वन वन एक्स, वन वन वाई, और आपको पता है डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में सेम रहे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है जीरो, इसलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर चुना है जीरो, नाइन का ऑप्शन नंबर वन। टेन,
ये तो एकदम आसान है, आप एक्सपेंड कर लीजिए, कोस स्क्वायर डिटर्मिनेंट में बीच में माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन। टेन एक्स स्क्वायर को अगर चेन रूल पर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आपको पता है टेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, यानी कि इसका आंसर हो गया 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसे तो आप फॉर्मूला पे याद करते हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, लॉग sec x को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो लॉग sec x का डेरिवेटिव बाई चेन रूल 1 बाई sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स, तो अगर हम लोग sec x को कैंसिल कर दे तो ये रह गया 10x, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, हमें x गिवन है एंड y गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, dy by dx फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में dy by dx अगर निकालने जा रहे हैं तो y को भी हम लोग थीटा पे डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड x को भी थीटा पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर y को डिफ्रेंशिएट करें थीटा पे तो ये हो गया a cos थीटा, और अगर इसे थीटा पे डिफ्रेंशिएट करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा, ए कैंसल सो माइनस कोट थीटा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो माइनस कोट थीटा कहीं भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 15, एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन इक्वल एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, आप लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा वाई बाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल एक्स एट द पॉइंट 1 1। स्लोप ऑफ द कर्व से मतलब समझिए स्लोप ऑफ, आपको टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, या तो स्लोप निकालते कैसे, हम लोग इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वाई स्क्वायर से हो गया 2y into dy by dx एंड x का डेरिवेटिव 1, dy by dx इक्वल 1 by 2y, और हम लोग इस पॉइंट को यहाँ लाकर रखते हैं, x तो है नहीं y है 1, तो 2 into 1 यानी कि 1 by 2, सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 1 by 2। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x इक्वल 0, नॉर्मल का स्लोप निकाला जाए, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 3 cos x, अगर पॉइंट रख दिया जाए dy by dx x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 3 cos 0, और cos 0 होता है 1 यानी कि ये आ गया 3, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस 1 बाई dy by dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि माइनस 1 बाई 3, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x प्लस सी। देखिए 19 नंबर, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर को ऊपर ले आए sin स्क्वायर, और sec स्क्वायर को नीचे ले आए cos स्क्वायर, और ये बन गया अपना tan स्क्वायर। आप जानते हैं tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और 1 का x प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 20, इंटीग्रेट करना है dx बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करने जाएं तो इससे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में स्पेशल इंटीग्रल का 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। 21, इसे भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, डी एक्स बाई रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 4 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर 1। 21, 22, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है चेंज इन रेडियस विथ टाइम 0.3,
हमें निकालने को कहता है इसके पेरीमीटर पे। ऐसे आप जानते हैं सर्कल के लिए पेरीमीटर टर्म यूज नहीं होता है, सर्कमफेरेंस यूज होता है। ऐसे चीज़ एक ही है, ऐसे पेरीमीटर यहाँ लिखा हुआ है और कुछ इस पर चेंज ना करते हुए पेरीमीटर ही। हम लोग मान लेते हैं अपना बोर्ड पेरीमीटर से सर्कमफेरेंस समझना चाहता है, तो 2πr डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2π dr by dt, 2π into dr by dt का वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.6π सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द ऑप्शन नंबर 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट a टू b, अगर b रख लें तो बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, एलसीएम ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, ऑप्शन नंबर ये। 24, इसे अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आप जानते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स, लिमिट है 1 to √3, पहले अपर लिमिट 10 inverse √3 माइनस 10 inverse 1। आप जानते हो रूट थ्री होता है π/3 पे और 1 होता है π/4 पे, एलसीएम ले लें तो 12 4π - 3π, यानी कि कितना बच गया π/12, जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। फिर से फॉर्मूला, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 inverse x। अच्छा ये तो उसी का हिंदी सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, आपको पता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, साइन टू द पावर 9x जो है ये आपका क्या फंक्शन है, तो ये आपका ओड फंक्शन है। और आपको पता है ओड फंक्शन में अगर माइनस ए टू ए लिमिट होगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल आप बताते हैं कि कितना होगा, 0 होगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2, देखिए मिसप्रिंट था लेकिन मैंने जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन लिया है वो अपने कंसेप्ट पे अच्छे से क्लियर था, तो उसने अपने से एडिट करके शायद उस पर 2 लिख लिया। आपको मैं हिंदी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 छूट गया है। ऐसे आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको भी पता है कि वहाँ 2 तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे अगर 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर कौन से ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर का है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस, एक ये भी मिसप्रिंट है और मेरे हिसाब से इसके लिए तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, कारण क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें 12th के सिलेबस में केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ना है, जबकि ये सेकेंड ऑर्डर पर है। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो ये कौन सा फॉर्म वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अगर मैं इसे ये मानते हुए सॉल्व करूं कि ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये मिसप्रिंट है कि यहाँ पे आपका dy/dx होना चाहिए, तो आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e2 जो y का कोफिशेंट होता है sec2x, और आप जानते हैं sec2x का इंटीग्रल 10x, यानी कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आपका e2 10x होगा। हाँ, तो इस पर तो थोड़ा डाउट रह गया, वो तो बोर्ड अब क्या उस पर डिसीजन लेती है। ऐसे इसका मार्क्स सभी को मिलना चाहिए, कारण ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। 28, आपको दो इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं, आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछता है, तो एक्स तो आपको क्लियर सामने दिख गया, x=3, और थोड़ा सा कम हड़बड़ी में रहना है क्वेश्चन बनाने में, कारण देखिए यहाँ माइनस वाई लिखा हुआ है, -y=2, सो y=-2, तो ऑप्शन होगा 3-2। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2, आप जानते हैं पोजिशन वेक्टर लिखने के लिए बस इस पर क्या कर लिया जाता है, तो i cap j cap k cap लगा के सम में लिख दिया जाता है, तो i cap j 0 हो गया प्लस 2 k cap। स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए i cap के कोफिशेंट j cap वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 3 प्लस 1 × −4 प्लस −3 × 7, 15 − 4 − 21, ध्यान दीजिएगा 11 − 21, सो −10। i cross j,
आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल आपको पता है के कैप, ये तो सीधा आसान सा क्वेश्चन है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लें तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, सेम सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो, ए क्रॉस बी। आप जानते हैं इनको अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो एक नेगेटिव आता है, एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल माइनस वेक्टर बी क्रॉस इनटू वेक्टर बी होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ये जीरो। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दो बार, यानी कि ऑप्शन नंबर वन टू टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। 33, ये तो आप फॉर्मूला पे पढ़ते हैं, सेम वेक्टर का अगर डॉट निकालिएगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इस पर नन उग दीजिए इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन आपको पता है x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन होता है। तो अगर इसे सॉल्व करें तो x माइनस माइनस प्लस टू बाई सेवन माइनस माइनस प्लस टू, y माइनस फोर बाई माइनस टू माइनस फोर, जेड माइनस टू बाई फाइव माइनस टू, एक्स प्लस टू बाई नाइन। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर थ्री का ऊपर तो मैच कर जा रहा है x प्लस टू वाई माइनस फोर जेड माइनस टू, लेकिन नीचे देखिए ये मैच कर नहीं रहा है। ये हो गया आपका कितना, अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, नाइन वाई माइनस फोर बाई माइनस सिक्स जेड माइनस टू बाई थ्री। नहीं, ये इस पे मैच कर जाएगा। कैसे मैच कर जाएगा, अगर हम लोग सभी को थ्री से डिवाइड कर दें, अगर इसमें से हम लोग सभी को थ्री से डिवाइड कर दें तो x प्लस टू बाई थ्री वाई माइनस फोर बाई माइनस टू जेड माइनस टू बाई वन, यानी कि ये ऑप्शन नंबर थ्री होना चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, करेक्शन है। ऑप्शन नंबर 35 का कौन सा होगा, तो 35 का थ्री होगा। आगे 36, आपको बताना है कि ये लाइन किससे पास करता है। तो ये लाइन किससे पास करता है, तो आप लाइन के इक्वेशन से जानते हैं, x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये पास करता है इन पॉइंट से और ये तो इनके डायरेक्शन जैसे होते हैं। तो ये पास करता है फाइव, फॉर्मूला पे पहले से माइनस होता है तो प्लस है तो माइनस लिखेंगे, सिक्स, फाइव माइनस फोर सिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। 37, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पहले आप डायरेक्शन रेशियो देख लीजिए, आपको पता है डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड का कोफिशेंट होता है, तो टू माइनस थ्री माइनस सिक्स, और इसे डिवाइड करना होता है रूट अंडर टू स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर माइनस सिक्स स्क्वेयर, और सब में सेम। तो टू बाई इसे सॉल्व करेंगे 36, 9, 45, 4, 49, 49 का रूट 7, माइनस 3 बाई 7, माइनस 6 बाई 7। और अगर आप देखिएगा तो ये दो दो ऑप्शन पे लिखा हुआ है, 2 बाई 7, माइनस 3 बाई 7, माइनस 6 बाई 7, 2 बाई 7, माइनस 3 बाई 7, 6, माइनस 6 बाई 7, यानी ऑप्शन 1 भी करेक्ट है और आप देखिएगा तो आपको दिखेगा ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। फॉर्मूला करना क्या होता है, इन पॉइंट को यहाँ लाकर रखिए, टू इंटू जीरो प्लस वाई पे माइनस वन, टू इंटू थ्री प्लस वन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और मोड लगा लीजिए। ऊपर अगर सॉल्व कर लें तो माइनस सिक्स, और ये सॉल्व कर लें तो थ्री, देखिए ये आ गया टू, यानी ऑप्शन नंबर थ्री। 39, प्रॉबर्टी ऑफ ए प्रॉबर्टी ऑफ बी, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको, प्रॉबर्टी ऑफ ए बाई बी निकालना है, कंडीशनल प्रॉबर्टी। फॉर्मूला क्या है, तो सभी को फॉर्मूला पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी,
पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, 1/2, ये बन गया 2/4, कैंसिल किए तो आ गया 1/2। लास्ट क्वेश्चन है 40। प्रॉबर्टी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रॉबर्टी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। सभी को फॉर्मूला पता है, प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रॉबर्टी ऑफ ए प्रॉबर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 3/8, 1/3, माइनस 1/4। एलसीएम ले लिया जाए तो ये आ गया 24, 9, 8, 6, 11/24। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो 11/24 किसी भी ऑप्शन पे नहीं लिखा हुआ है, और सिंस किसी पे भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका आंसर होता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमने सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो आज यानी कि 27 मार्च 2023 को झारखंड बोर्ड 12 के मैथ्स का क्वेश्चन था। आप सभी को शुभकामनाएं अगले एग्ज़ाम के लिए कि आप लोग उसमें भी अच्छे से बेहतर परफॉर्म करें, कारण 29 मार्च को काफ़ी लोगों का आखिरी एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री आखिरी है, तो अच्छे से उसके लिए तैयारी में जुड़ जाएं। थैंक यू।